Hi guys, welcome back to my channel Your Makeup Room. Friends, आज की जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो का ही सेकंड पार्ट है जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी अपने आई ब्रशेज के ऊपर. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करूंगी शेयर अपने फेस ब्रशेज, जो फेस ब्रशेज मैं यूज करती हूँ और किस कैटेगरी के ब्रशेज आपको चाहिए और किस ब्रांड के ब्रशेज मैं यूज करती हूँ. तो सबसे पहला ब्रश हमको चाहिए अपने फेस के लिए, वो हमको चाहिए एक पॉलिशिंग ब्रश. एंड पॉलिशिंग ब्रश को हम स्टिपलिंग ब्रश भी बोलते हैं. अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पे इसके छोटे हेयर होते हैं और फिर ये थोड़े लॉन्ग हेयर होते हैं. तो ये एक ब्रश है जिसमें दोनों टाइप के हेयर हैं, छोटे भी और लॉन्ग भी. सो दैट कि इसके साथ हम कोई भी क्रीमी प्रोडक्ट, जैसे कि हमारा क्रीमी फाउंडेशन होता है या फिर हम लोग स्ट्रॉन्ग क्रीम लगाते हैं, लिक्विड हाइलाइटर लगाते हैं, या फिर हम इससे लिक्विड फाउंडेशन को भी इसको पॉलिश कर सकते हैं. लगाने के बाद उसको एक बार ये ब्रश घुमा देते हैं तो अच्छे से वो हमारी स्किन में प्रॉपर, जैसे हम ब्लेंडर से उसको पॉलिश करते हैं वैसे ही उससे शाइन आ जाती है. या फिर हम मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, प्राइमर लगा रहे हैं, तो वो हम इसकी इस ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं. इसको बोलते हैं स्टिपलिंग ब्रश. में मिल जाएंगे, पीएसी में मिल जाएगा आपको ये ब्रश, मिल जाएगा प्रोआर्ट के ब्रशेज में भी. कोशिश करिए कि प्रोआर्ट के ब्रशेज ढूंढिए क्योंकि वो बहुत ही इकोनॉमिक हैं, तो वो आपको आराम से 500-400 की रेंज में फेस के ब्रशेज आ जाएंगे. तो सबसे पहले हो गया हमारा पॉलिशिंग ब्रश यानी कि स्टिपलिंग ब्रश. देन सेकंड हमको चाहिए फाउंडेशन लगाने के लिए. तो फाउंडेशन के लिए आपको चाहिए ये इस तरीके के दो ब्रशेज. एक है मेरे पास ये फ्लैट ब्रश जिसको बोलते हैं कबूकी ब्रश, एंड दूसरा है जो फाउंडेशन ब्रश होता है नॉर्मल, ये भी एक तरीके का फ्लैट ही है. तो ये है कबूकी ब्रश जो फाउंडेशन ब्रश है, ये बहुत अच्छा ब्रश है. पीएसी का जो फाउंडेशन ब्रश है वो बहुत अच्छा आता है. एक इस तरीके का फ्लैट ब्रश भी चाहिए था सो दैट कि हम लोग फाउंडेशन को इससे स्प्रेड लगा सकें और अंडर आइज के नीचे अच्छे से वर्क कर सकें. क्रीमी प्रोडक्ट इससे बहुत अच्छे लगते हैं और इससे हमारा लिक्विड फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है. तो ये हुए हमारे दो फाउंडेशन ब्रशेज जो आपको दोनों कैटेगरी में लेने ही हैं. उसके बाद हमारा ब्रश आता है पाउडर ब्रश, या फेस को सेट करना होता है तो इस तरीके का आपको एक फ्लफी पाउडर ब्रश चाहिए जो आपको मिल जाएगा पीएसी में, प्रोआर्ट में, लंडन ब्राइट में. ये तो मेरा बेली का है क्योंकि मेरा पूरा सेट ही था तो मैंने उसी में मेरा आ गया, तो मैंने फिर खरीदा भी नहीं. तो एक ऐसा पाउडर ब्रश चाहिए आपको सो दैट कि आप अपने फाउंडेशन को सेट कर सकें. उसके बाद एक ब्रश चाहिए हमको इस तरीके का कॉन्टोरिंग के लिए, फ्लैट ब्रश है ये, इस तरीके का फ्लैट ब्रश है, इसको कॉन्टोरिंग ब्रश बोलते हैं. सो दैट कि ये हमारी कॉन्टोरिंग इससे बहुत अच्छी हो सके. देखिएगा आपको एक फ्लैट कॉन्टोरिंग ब्रश चाहिए ही चाहिए, बहुत इजीली कॉन्टोरिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा चौड़ा कॉन्टोरिंग नहीं होता है, फिर उसको ब्लेंड करने में बहुत दिक्कत होती है. तो इससे बहुत अच्छी से एक लाइन क्रिएट होती है जिसको हम ब्लेंड कर सकते हैं ईजिली. इससे हमारी नोज भी कॉन्टोर हो जाती है. तो इस तरीके का हमको एक कॉन्टोरिंग ब्रश चाहिए. फिर हमको जो नेक्स्ट ब्रश चाहिए वो है हमको हमारा ब्लश के लिए. तो ये इस तरीके का एक टैपर्ड ब्रश होता है जिसकी हेल्प से हम चीक्स पर अपने ब्लश अप्लाई करते हैं. तो एक हमको चाहिए इस तरीके का कंसीलर ब्रश. ये जो हमारा छोटा, ये जो हमारा फाउंडेशन ब्रश है उसी तरीके का ये ब्रश होता है, छोटा कबूकी ब्रश की तरह बहुत छोटा होता है. तो इससे हम कंसीलर अप्लाई करते हैं. ये देखिए इस तरीके का ब्रश हमें चाहिए सो दैट के आंखों के नीचे अच्छे से हम लोग कंसीलर लगा सकें या कलर करेक्शन जो भी है उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकें. फिर हमको चाहिए ये फैन ब्रश. ये तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, बस ब्रिसल्स अच्छे होने चाहिए, वॉशेबल होने चाहिए. तो इस तरीके का फैन ब्रश चाहिए हमको. देन जो लास्ट ब्रश है हमारे लिए वो हमको चाहिए एक लिपस्टिक ब्रश. ये इस तरीके का पैन ब्रश आता है, ये प्रो आर्ट का है एंड इसका नंबर है गाइस PL37 है इसका नंबर. तो ये इस तरीके का लिप ब्रश होता है, आगे से पॉइंटी है ये, देखिए इसका नंबर है PL37 प्रो आर्ट में. तो आप ये ले सकते हैं, काफी सस्ता है, 350 का है ये. और आई थिंक अगर आप पैक कर लेंगे थोड़ा महंगा मिलेगा, आई थिंक 500 तक का होगा. तो ये सारे थे हमारे फेस ब्रशेज. मैंने इसमें बताया कि आपको कैटेगरी वाइज लेना है, फेस के ब्रश, फाउंडेशन ब्रश, फिर उसके बाद हमें पाउडर ब्रश, वो आपको कितने भी नंबर ऑफ क्वांटिटी में ले सकते हैं. लेकिन कैटेगरीज मैंने आपको समझा दी कि आप इस कैटेगरी के ब्रश लीजिए. सो ये थी मेरी आज की वीडियो हमारे फेस ब्रशेज के ऊपर. अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू गिव मी अ बिग थम्स अप ऑन दिस वीडियो.
I will see you in my next video, and don't forget to follow me on my Instagram. My Instagram handle is makeuproom by yashika. So guys, I will see you in my next video. Till then, take care and bye bye.